ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आसिम ने वेल प्लेड उमर रियाज बोला, हिमांशी ने बोला कि ये लोग जो हैं नाटक करते हैं और ये बहाने से निकाल देते हैं, वोटिंग अपील करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं बातें ऐसी आ रही हैं कि भाई उमर रियाज क्या आउट हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अब आप लोगों को बता दूं तो उमर रियाज के फैंस सोशल मीडिया पे इस वक्त बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने कलर्स को बॉयकॉट करने का तो निर्णय ले ही लिया है, साथ ही साथ कुछ और बातें भी बोल दी हैं दोस्तों, जहां पर वो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा धर्म है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आ गया हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दूं तो फैंडम्स जो हैं आपस में कुछ लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि कुछ फैंडम्स कहते हैं कि ब्रिंग बैक का नारा लगाते हैं जब कोई अनफेयर इविक्शन होता है। बट उमर फैंस आप लोग इस तरीके से मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ह्यूमिलिएशन है डॉक्टर का, और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, इसीलिए हम लोग इसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हैं। जी हाँ, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि डन विद नेगेटिविटी यानी कि बिग बॉस। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आज से नो एंगेजमेंट टू कलर्स टीवी सोशल मीडिया हैंडल्स, नो यूजेज ऑफ बिग बॉस 15 हैशटैग, नो एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब हैशटैग उमर रियाज, और लिखा है पब्लिक स्टैंड्स बाय उमर। तो दोस्तों ये उमर को लेकर कुछ जो चीजें आ रही हैं कि उमर रियाज जो है आउट हो चुके हैं दोस्तों और इविक्ट हो चुके हैं, और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंस इट वॉज अ रियलिटी शो बिग बॉस, नाउ इट्स अ क्रुएलिटी शो बिग बॉस। और अब शो किसके लिए देखें, इंस्टिगेटर के लिए और बहुरानी ड्रामा के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज बोलते हुए दोस्तों नजर आए हैं लोग, एंड कुछ लोगों ने सलमान खान साहब पर भी सवाल खड़े करे हैं और बोलते हैं कि कितना शेमलेस है, सेम शो में पहले वो लेक्चर देता है ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस, फिर उसके बाद वहीं बिचुकले को बोलते हैं कि तेरे बाल पकड़ के बाहर निकालूंगा, घर में आके मारूंगा। तो दोस्तों आपको क्या है कहना बताइए जरूर, ये सोशल मीडिया का ड्रामा है सारा, तो मैंने आपको बता दिया एज इट इज, आप बस बने रहें।